हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो so, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर फोर्टी फाइव और क्लास टेंथ हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद ही ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे ओके okay. सो so, आज का आपका टॉपिक क्या है टॉपिक है अ न्यू कोर्स हैप्पी करिकुलम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू थाउजेंड एटीन इन द गर्मेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली हैप्पी करिकुलम एक न्यू कोर्स इस्टार्ट किया गया था टू थाउजेंड एटीन में गवर्नमेंट स्कूल्स में कहाँ के दिल्ली के ठीक है तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हैप्पी करिकुलम एक प्रोग्राम एक न्यू कोर्स चलाया गया था उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि टीचर्स हैंड बुक फॉर हैप्पीनेस क्लास अब आप देखेंगे यहाँ पे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है कि ग्रेड नर्सरी टू सेकेंड फिर है क्लास ग्रेड कौन सा है थर्ड टू फिफ्थ देन है सिक्स टू एट्थ ओके तो ये क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है हैप्पी करिकुलम का उसके बाद क्या कहा गया है कि अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर ये क्यों उस चलाया गया था हैप्पी करिकुलम अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली दिल्ली के कुछ स्कूल्स में ये करिकुलम चलाया गया था जिससे क्या हम फाइंड कर सकें फाइंड आउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर जिससे स्टूडेंट के बिहेवियर को समझा जा सके कि स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे इस हैप्पी करिकुलम के थ्रू ओके सो उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है टीचर्स वर आ आस्ट इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चन तो बोला गया कि टीचर्स से पूछा गया ठीक है uh, टीचर्स वर आस्ट इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स कि अगर उन्होंने बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंजेस देखे तो वो क्या थे ठीक है तो यहाँ पर टीचर्स से कुछ सवाल पूछे गए उसके अकॉर्डिंग थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन के थ्रू पहला क्वेश्चन है कि डेड यू फाइन इन Uh, increased intensities of sharing with each other in students? Did you find increased intensities of helping each other in students? Did you find reduced intensities of fighting with each other? इन स्टूडेंट्स एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहां पे चार क्वेश्चन जो है पूछे गए वो चार क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बच्चों के अंदर शेयरिंग करने की जो इंटेंसिज ऑफ शेयरिंग उदाहरण आपने देखे या फिर आपने ये देखा कि बच्चे एक दूसरे से अपनी चीज़ों को या फिर नॉलेज को कैसे शेयर कर रहे हैं ठीक है ये इंक्रीज़ हुआ ये बढ़ा शेयरिंग जो है वो बढ़ी बच्चों में कि अपनी चीज़ों को शेयर कर, करना अपनी नॉलेज को शेयर करना सेकेंड है डिड यू फाइंड इंक्रीज़ इन ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स आपने देखा कि कोई किसी की मदद करना या ये हेल्पिंग uh, बिहेवियर जो है वो डेवलप हुआ बच्चों का थोड़ा ज़्यादा हेल्पिंग बिहेवियर जो है उसमें चेंज आए तो ये सारी चीज़ें आपने देखी और जो थर्ड है ये पूछे जा रहे हैं सवाल पूछे जा रहे हैं ठीक है डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंटेंसिस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स अब क्या आपने देखा कि बच्चों के अंदर जो फाइटिंग स्कूल में जो है हम अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो ये होता है कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया या इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा तो जल्दी से गुस्सा हो जाता है फिर टीचर को समझाना पड़ता है बताना पड़ता है कि आपको अपने कंट्रोल करना चाहिए बिहेवियर पे ठीक है कैसे चेंजेस ला सकते हैं तो यहाँ पे यही बोला गया कि बच्चों के अंदर जो फाइटिंग बिहेवियर है उसमें कैसे मतलब कमी आई है उसके बाद जो थ, लास्ट है वो है कि डिड यू फाइन एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आपने कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट देखा बच्चों के बिहेवियर में जो जैसे क्लासेज आप ले रहे हैं तो उसमें ठीक है कि बच्चे जो हैं और अच्छा सोचते कैसे हैं उनके जो थाट्स हैं कितने पॉजिटिव हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से टीचर्स से पूछे गए फिर है द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर्स येस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट आपको जो नीचे डाटा चार्ट दिए गए हैं ठीक है इन डाटा चार्ट को आपको देखना है और इसमें क्या है कि रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर्स वो जो चारों क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाए उन चारों क्वेश्चन के आंसर्स टीचर्स ने क्या दिए ठीक है जो गिवन बाय द टीचर्स तो आपको यहाँ पे ये चार्ट में शो किया गया है कि यस और नो में टीचर्स ने कैसे जवाब दिया तो यहाँ पे इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग शेयरिंग के जो इंटेंसिस हैं वो क्या रहे तो टीचर्स ने इसमें कहा कि यस बच्चों के अंदर जो शेयरिंग की नॉलेज शेयरिंग और बाकी चीज़ें शेयरिंग जो है उसकी जो हैबिट है वो क्या हुई डेवलप हुई उसके बाद जो सेकेंड है कि हेल्पिंग ईच अदर एक दूसरे की मदद करना ठीक है तो ये मदद करने का जो वे है ये भी जो है डेवलप हुआ तो इसमें भी टीचर्स ने हंड्रेड परसेंट येस कहा ठीक है और नो ज़ीरो परसेंट रहा उसके बाद जो आपका थर्ड चार्ट है वो क्या है कि पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर तो कुछ बच्चे नाइन्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट जो है उनका क्लासरूम बिहेवियर डेवलप हुआ नाइन्टी सेवन पॉइंट वन ठीक है और जो टू पॉइंट नाइन है उनमें थोड़ी सी जो है मतलब कमी देखी गई तो यहाँ पे आपको यस और नो जो है आंसर देखने को मिलेंगे कि नो के भी आंसर आए उसके बाद जो है लास्ट वो है रिड्यूज इंटेंसिस ऑफ फाइटिंग फाइटिंग के जो इंटेंसिज है मतलब उदाहरण वो कम देखने को मिले ठीक है नाइनटीन पॉइंट वन परसेंट जो है नो, क्या कहा गया येस बोला गया कि बिल्कुल भी जो है एक तरीके से रिड्यूस इंटेंसिस ऑफ फाइटिंग फाइटिंग जो है वो कम देखने को मिली स्कूल्स में ठीक है और उसके बाद नो के हैं थ्री मतलब कि हाँ थ्री देखने को मिली तो यहाँ तो यहाँ पे आपको इन चार्ट्स के थ्रू ये समझ आ गया होगा कि येस और नो में जो टीचर्स के जवाब थे ठीक है हर जो पॉइंट है उसको लेके जैसे इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग हेल्पिंग ईच अदर पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर और रिड्यूस इंटेंसिस ऑफ फाइटिंग ठीक है उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि बेस्ड ऑन ऑल द गिवन अबव राइट अ पैराग्राफ इन हंड्रेड 120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपको चार्ट देखने हैं और उस बेस पे आपको पैराग्राफ लिखना है हंड्रेड टू वन हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स में और आपको यहाँ पे एनालाइज करना है ठीक है कि येस कितना है नो कितना है ये आपको बताना है और उसके अलावा डिस्क्राइब करना है कि पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर रिड्यूज इंटेंसिस ऑफ फाइट फाइटिंग इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका जो मोटिव है क्या है तो आपको इसे अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना है ओके रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी तो चलिए इसे देख लेते हैं स्लाइड पे आंसर के साथ और यहाँ पे लास्ट जो आप पॉइंट देखेंगे वो क्या है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सी ए बी मैसेज कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स ओके अपने अपना और अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रखें ओके सो आ जाते हैं स्लाइड पर सो so, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हंड्रेड टू वन हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स में लिखना है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है ठीक है बट वन या टू पेजेस का आप लिख सकते हैं उसके अलावा पहले एनालाइज करना और डिस्क्राइब करना है तो पहले मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है फिर एंड में जो है मैंने एनालाइज भी किया है नेक्स्ट पेज पर ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पर तो चलिए देख लेते हैं आंसर द रिजल्ट ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन आंसर्स गिवन बाई द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द डाटा चार्ट तो आपको जो रिजल्ट है जिस जो मतलब जिस पे स्टडी ये की गई है और उसके बेस पे आपको चार्ट्स दिए गए हैं जो कि टीचर्स के आंसर हैं ठीक है उसके बेस पे तो चलिए सबसे पहले हैप्पी करिकुलम जो आपको दिया गया वो है क्या हैप्पी करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन्स इन ग्रेड वन टू एट इन स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सिंस जुलाई 2018 थाउजेंड एटीन द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल्स एंड इट्स टीचर्स माइंडफुलनेस सोशल इमोशनल लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बोले गए हैं कि एपी करिकुलम शुरू इसलिए किया गया था कि जो बच्चे हैं ग्रेड एट आ, मतलब वन टू एट ठीक है यहाँ पे नर्सरी टू एट भी आप बोल सकते हैं जुलाई टू थाउजेंड एटीन में कि इंप्रूव करें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इम्प्रूव करें बच्चों में मेंटल वेलबींग सोचने की जो क्षमता होती है ना उसको जो है उस उसमें बदलाव करें ठीक है एंड इट्स टीचर्स माइंडफुलनेस और एक तरीके से जो आपके थॉट्स हैं उसे और कितने क्रिएटिव बनाए सोशल इमोशनल लर्निंग आप समाज में रहते हैं तो उस समाज के बारे में भी सीखें क्रिटिकल थिंकिंग ठीक है आपकी जो थिंकिंग है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी या वैसी सिचुएशन होगी तो आपको उसमें क्या करना है उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग कि अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम मिलती है ठीक है जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है कोई से भी तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपका हैप्पी करिकुलम शुरू किया गया जैसे आप लोग ईएमसी आपको दिया जाता है तो ईएमसी जो है वो भी इसी टाइप का जो एक आप कह सकते हैं कोर्स है जो कि आपके लिए इसीलिए शुरू किया गया उसका है उसका मेन मोटिव ये नहीं कि आप उसके आंसर्स लिखे बैठ के उसका मेन मोटिव ये है कि आप सोचें खुद से ठीक है उसके बाद है इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग यहाँ पे इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग का मेन मोटिव और मीनिंग uh, क्या है कि शेयरिंग ऑफर्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट एंड री द स्पीकिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग स्किल्स डैट आर सो क्रूशियल टू स्कूल सक्सेस तो इंटेंसिस ऑफ शेयरिंग का मतलब यही है कि आप जो है उन मौक़ों को जो है यूज़ करें और प्रैक्टिस करें री करें ठीक है जिससे आपकी लिसनिंग थिंकिंग स्किल जो है सोचने की क्षमता सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता स्पीकिंग की ठीक है ये डेवलप हो ठीक है जो कि स्कूल टाइम में बहुत क्रूशियल मतलब बहुत एक तरीके से आप इंपॉर्टेंट भी होती है बहुत नाजुक भी होती है बहुत ज़रूरी होती है एक तरीके से कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं स्कूल में स्कूल के बाद आपको ये चीज़ें सीखने के लिए नहीं अप्लाई करने के लिए कहा जाता है ठीक है फिर है हेल्पिंग ईच अदर

क्या करेंगे एक दूसरे की मदद भी करेंगे जैसे ई जो लास्ट ई आई थी ई एम उसमें तीन स्टूडेंट्स दिए गए थे तो वहाँ प्रोजेक्ट शेयरिंग की बात कर रहे थे तो ऐसे ही आपको भी स्कूल में प्रोजेक्ट शेयरिंग बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि आप एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के थॉट्स को समझें तो ये बहुत ज़रूरी होता है ओके उसके बाद है पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर क्या है कि आपका क्लासरूम बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच स्टूडेंट्स नो एंड फॉलो द रूल्स इन इज चेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल क्लासरूम बिहेवियर फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर क्या होता है देखिए क्लासरूम बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं और आपको पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर की बात की गई है तो क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट नो एंड फॉलो द रूल्स इज चैलेंजिंग आपको रूल्स टीचर ने बता दिए ठीक है आपको बता दिए ये ऐसे ऐसे करना है पर बहुत ये कभी कभी होता है कि हर बच्चा उसको नहीं समझ पाता और नहीं फॉलो कर पाता तो वो थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी हो जाता है लेकिन उस वो इम्पॉसिबल नहीं होता ठीक है नॉट इम्पॉसिबल तो यहाँ चैलेंजिंग होता है कि हाँ सबको कैसे साथ लेके चलना है सब कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज करके बढ़ेंगे लेकिन जो इम्पॉसिबल कहेंगे तो वो नहीं होता पर धीरे धीरे प्रैक्टिस और धीरे धीरे टाइम थोड़ा लगता है और आप जो है एक पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर क्रिएट करते हैं ओके क्लासरूम बिहेवियर फॉल्स इन टू कैटेगरीज ये मैंने एक्स्ट्रा के लिए बता दिया आपको उसके बाद है रिड्यूज ऑफ़ फाइटिंग ठीक है एंटेंसिस ऑफ़ फ़ाइटिंग मतलब एक तरीके से जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हों उसके लिए सेफ्टी मेजर्स आर द ओनली वे फॉर स्कूल्स टू कंट्रोल स्टूडेंट्स हु गेट्स एंग्री एंड डोंट होल्ड बैक तो रिड्यूज एंटेंसिस ऑफ़ फ़ाइटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेफ्टी मेजर्स आर द ओनली वे सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए क्यों स्कूल के लिए कि कंट्रोल कर सके उन स्टूडेंट्स को जो जल्दी एंग्री हो जाते हैं मतलब गुस्सा हो जाता है डोंट होल्ड बैक और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और फटाफट जवाब दे देते हैं जैसे टीचर्स होती है ना उनसे बोलती हैं कि बेटा आपको ये काम नहीं करना है तो वहाँ तो आपने सुन लिया ठीक है लेकिन जब आप जैसे कि आपको बोला कि बेटा तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है ठीक है किसी बड़े को ऐसे जवाब नहीं देते बिना समझे तो आपने वहाँ तो सुन लिया लेकिन आप घर पर आए तो, तो वो आप भूल गए ठीक है तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा कंट्रोल जब आप अपने ऊपर सीख जाते हैं कि हाँ किस जगह मुझे बोलना है किस जगह नहीं तब आपको समझ आता है तो वो टीचर आपको धीरे धीरे ही समझा पाता है अगर एक दिन उन्होंने बोला और दूसरे दिन आप फॉलो करने लगे तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा उसे तुरंत ही फॉलो करने लगे कुछ बच्चे धीरे धीरे समझते हैं ठीक है एक्सपीरियंस करते हैं तब उसको फॉलो करते हैं कुछ बच्चे मैम ने बताया तो उसे फॉलो करना है तो हर तरीके के बच्चे होते हैं तो इसीलिए जो है जो वो कुछ परसेंट जो है ठीक है आप लोग का वहाँ पे थ्री पॉइंट टू परसेंट जो दिया था नो का ठीक है कि हाँ अभी भी बच्चे जो है फ़ाइट कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि कुछ बच्चों को थोड़ा तो टाइम लगता है समझने में पर समझ जाते हैं ठीक है उसके बाद है इन चार्ट्स इट शोज हंड्रेड परसेंट इन इंटेंसिज ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर अब यहाँ पे मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया पहले हमने डिस्क्राइब किया पूरा अब यहाँ से एनालाइजिंग है ठीक है तो आपको ये पैराग्राफ में लिखना है इन चार्ट इट शोज जो चार्ट है उसमें क्या शो कर रहा है कि हंड्रेड परसेंट इन इंटेंसिज ऑफ शेयरिंग हंड्रेड परसेंट की इसमें इंटेंसिज ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर फॉर यस ठीक है यस के लिए एंड जीरो परसेंट फॉर नो आंसर्स और नो no आंसर्स के लिए क्या है जीरो परसेंट उसके बाद है नाइन्टी सेवन पॉइंट वन परसेंट फॉर यस एंड टू पॉइंट नाइन परसेंट फॉर नो आंसर्स ठीक है तो ये किसमें पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर में नाइन्टीन पॉइंट वन जो है वो येस yes के लिए और टू पॉइंट नाइन किसके लिए नो no के लिए ओके उसके बाद आपको बोला गया है कि नाइन्टीन पॉइंट वन परसेंट फॉर यस एंड थ्री पॉइंट टू परसेंट फॉर नो आंसर्स इन रिड्यूज इंटेंसिस ऑफ फाइटिंग गिवन बाय द टीचर्स इन द डाटा चार्ट तो यहाँ पे मैंने आपको जो है एनालाइज करके भी समझाया है आंसर को ठीक है और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे जो है पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि किसका मीनिंग क्या है और किसका मेन मोटिव क्या था इस जो करिकुलम था ठीक है हैप्पीनेस करिकुलम उसके बाद मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे कमेंट करके और आपको जो बोला गया है क्वेश्चन कि हंड्रेड वन ट्वेंटी वर्ड्स में रखना है तो मैंने उसी वर्ड्स में कोशिश की है कि उन्हीं वर्ड्स में देखिए वन हंड्रेड और अगर आपको बोला जाए कि वन हंड्रेड और वन ट्वेंटी वर्ड्स में लिखना है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर वन ट्वेंटी वन हो गया या वन ट्वेंटी फाइव तो हम क्या करें कोई बात नहीं बेटा एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर वन ट्वेंटी है तो वो वन फिफ्टी या वन थर्टी जो है वहाँ तक ना पहुँचे ठीक है तीन चार वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं यहाँ पे आप जो है जैसे हंड्रेड वर्ड्स बोला है तो आप ज़रूरी नहीं है कि हंड्रेड ही लिखें नाइन्टी फाइव में भी अगर आपको लगता है आपका आंसर जो है सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है तो आप जो है इसमें वर्ड्स का ध्यान रखेंगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिखना कैसे वर्ड लिमिट इसलिए दी जाती है जिससे आप अपने आंसर्स को कितने लिमिट में अच्छे से प्रेजेंट करना सीखें ठीक है सो आई होप सो आपको समझ आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ठीक है बाय बाय स्टूडेंट्स